मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, हम आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, जिसका मन बहुत चिंताओं में है, जिनके ऊपर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, संकट है, वो लोग इन वचनों को हमेशा याद रखें। और जब भी अगर आपके ऊपर संकट या कोई चिंता है तो आप इन वचनों को बोले, अंगीकार करें, विश्वास के साथ अंगीकार करें। प्रभु आपको हर एक चिंताओं से आज़ाद करेंगे, हर एक संकटों से निकालेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, लेकिन इस वचन को केवल अंगीकार करना है, विश्वास के साथ बोलना है, तभी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे वचनों के द्वारा प्रार्थना को सुनेगा। तो आप लोग इन वचनों को हमेशा याद रखें और हमेशा विश्वास के साथ अंगीकार करें। आप अपने जीवन में शांति महसूस करेंगे और हर एक संकटों से प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वचन है यशायाह अध्याय 26 पद संख्या 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वचन क्या करें? जिसका मन प्रभु पे धीरज बनाए हुए रखता है, जो वही व्यक्ति प्रभु पे धीरज बनाए हुए रख सकता है जो उस पर विश्वास करता है। और क्या करें वचन की? क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर प्रभु पे आप भरोसा रखेंगे तभी आप धीरज बनाए हुए रख सकते हैं, नहीं तो आप इधर उधर भटक जाएंगे और प्रभु पर से अपना विश्वास खो बैठेंगे और आपको लगेगा कि प्रभु हमारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, प्रभु हमारी सहायता करता, लेकिन हमको उसमें धीरज बनाए हुए रखना चाहिए, हमको इंतजार करना चाहिए। प्रभु हर एक चीज़ देखता है, वो हमारी अशांति में, हमारे संकटों में वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन केवल हमको धीरज बनाए हुए रखना है और प्रभु पर भरोसा रखना है। दूसरा वचन है यशायाह अध्याय 41 पद संख्या 10। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूँगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु हमको डरने के लिए नहीं कहता, प्रभु हमारे साथ रहता है, हमको चिंता करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है, वही हमारा ईश्वर है, वही हमें शक्ति देता है। जब भी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं कोई भी चीज़ में, प्रभु ही हमें शक्ति देता है और हमारी सहायता करता है। और जब भी हम कोई संकट से निकल नहीं पाते, हम कोई संकट में पड़ जाते हैं, तो प्रभु हमें संभालता है, वो हमें उन संकटों से निकालता है। इसलिए हमको कभी भी डरना नहीं, हमको प्रभु पे भरोसा रखना, क्योंकि वही हमारा पिता परमेश्वर, स्वर्ग शक्तिमान प्रभु ईश्वर वही है। इसलिए हमको कहीं पे इधर उधर नहीं डरना है और हमको उसी पे भरोसा रखना है और उसी के भरोसे हमको आगे बढ़ते रहना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है, वही हमारा रखवाला है, वही हमारी रक्षा करेगा। तीसरा वचन है यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसा नहीं देता जैसा संसार तुम्हें देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम भयभीत ना हो। प्रभु क्या कह रहे हैं कि प्रभु हमको शांति देते हैं और हमको कभी भी डरने के लिए नहीं कहते, हम कभी भी व्याकुल ना हो जाए कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर ये संकट आ जाएगा। हमको कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमको क्या बोलता है कि कभी भी मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु कहता है भयभीत ना हो जाओ, डरो मत, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना हम लोगों को। अगर हमारे जीवन में कोई भी संकट, कोई भी मुसीबतें आती, कोई भी अशांति आती है, तो हमको प्रभु से विनती करना है, प्रार्थना करना है कि हे प्रभु जी, हमें आप अपनी शांति दीजिए, वैसा शांति नहीं जैसा संसार हमें देता है, बल्कि आप अपनी शांति दीजिए। तो प्रभु आपको अपनी शांति देगा और उस शांति को पाने के बाद आप अपने जीवन में इतनी शांति महसूस करेंगे, इतनी शांति महसूस करेंगे कि आपको वैसी शांति कहीं महसूस नहीं होगी। तो आप लोग प्रभु से शांति को जरूर मांगे अगर आपके जीवन में अशांति है, आपके जीवन में कोई भी चिंताएं हैं। अगला वचन है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 9। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि प्रभु का जो सामर्थ है, प्रभु की जो शक्ति है, वो निर्बलताओं में कार्य करता है। जिसके जीवन में कोई भी निराशा हो, समस्या हो, चिंता हो, संकटें हो, जो भी उनके जीवन में कुछ भी समस्याएं हो, प्रभु की सामर्थ उसी के जीवन में कार्य करता है जिनके जीवन में कोई भी समस्याएं होती है। इसलिए मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, जब भी आपके जीवन में कोई भी संकट या चिंताएं होती हैं, तो आप चिंता नहीं करें, आप गर्व करें कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में ही कार्य करेगी। और आप प्रभु पे भरोसा रखें और विनती करें प्रभु से, और आप अपने जीवन में प्रभु की सामर्थ को देख पाएंगे, प्रभु की आशीष और अनुग्रह को देख पाएंगे, क्योंकि प्रभु उन्हीं के जीवन में कार्य करता है जो लोग हताश, बीमार, निराश होते हैं। इसलिए हमको केवल उस टाइम विनती प्रार्थना करना है और प्रभु को याद करना है
क्योंकि सर्वशक्तिमान ही हमारी रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमको कभी भी चिंता नहीं करना, और हमको उन्हीं से विनती, आराधना और स्तुति, उसका धन्यवाद करते हुए इन सभी प्रार्थनाओं को, इन सभी समस्याओं को उसको बताना है जो हमारे जीवन में है। तभी आप अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह को और प्रभु की शांति और प्रभु की महिमा को देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।